बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमजेस किचन। आज मैं रमज़ान स्पेशल में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत क्विक और मज़े का स्नैक जिसका नाम है ब्रेड बॉल्स। कुछ मैं फ्राई करूंगी और ज़्यादा को मैं रमज़ान के लिए फ्रीज़ करूंगी। आप इनको 2 से 3 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फिलिंग बनाने के लिए बोल में डालेंगे 2 कप उबली और इशा की हुई चिकन, 1/2 कप लंबाई में कटी शिमला मिर्च, 1/2 कप मायोनीज, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये फिलिंग हमारी रेडी है, अब इसको साइड पे करते हैं। अब ये मैंने ब्रेड का स्लाइस लिया है और इसके किनारे काट लिए हैं। अब इसको पानी में डिप करेंगे और हाथों के साथ अच्छी तरह से दबा के इसका पानी निकालेंगे। अब इसमें ये फिलिंग रखेंगे और चारों साइडों से इसके ऊपर ब्रेड को फोल्ड करेंगे। अब अच्छी तरह से दबा के इसको बॉल की शेप देंगे। ये हमारा बॉल तैयार है। इसी तरह मैं सारे बॉल्स को रेडी करती हूँ। ये सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं, अब इनको ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। अब ये बॉल्स को एयरटाइट बॉक्स में डालेंगे। इसको बंद करेंगे और फ्रीजर में रखेंगे। अब कुछ ब्रेड बॉल्स को मैं फ्राई करूंगी। ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब ये बॉल्स इसमें डालेंगे और मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करेंगे। ब्रेड बॉल्स खूबसूरत से गोल्डन कलर में फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको निकालती हूँ। ये हमारे ब्रेड बॉल्स रेडी हैं। कुछ मैंने आपको फ्राई करके भी दिखाए हैं ताकि आप फाइनल लुक भी देख लें। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।